हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं आपका फ्रेंड कपिल गार्गी. सो टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट सम वर्ड प्रॉब्लम्स. लास्ट टॉपिक में हमने इंडियन और इंटरनेशनल सिस्टम के बारे में किया था, उसी से रिलेटेड ये हमारे पास वर्ड प्रॉब्लम्स है. देखिए जी, क्वेश्चन है आपके पास. फर्स्ट, अ बुक एग्जीबिशन वॉज हेल्ड फॉर 4 days इन अ स्कूल. द नंबर ऑफ टिकट सोल्ड एट द काउंटर ऑन द फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड एंड फाइनल डे वॉज रिस्पेक्टिवली. ये आपके पास नंबर्स हैं 1094, 1812, 2050, द लास्ट वन इज 2751. ठीक है, अब क्या कह रहे हैं, फाइंड द टोटल नंबर ऑफ टिकट्स सोल्ड ऑन ऑल द 4 days. करना क्या है, टोटल मतलब सम निकालना है इनका, तो हमें इनको एड अप करना है. याद रखिएगा, लिखने का पैटर्न क्या होता है, आपको हमेशा राइट साइड से स्टार्ट करना है लिखना, लाइक 4901. जब आप ऐसे कॉलम वाइज ऐड कर रहे हो, राइट, सेकंड नंबर बिल्कुल इसके नीचे से स्टार्ट करोगे 2181. अब आप कह रहे होंगे फर्क क्या पड़ेगा, फर्क ये पड़ेगा, सपोज आपके पास 3 digit नंबर है, मेरे पास ये रहा 523, इसको मैं कैसे लिखूंगा. अगर वैसे अगर आप नॉर्मली लिखोगे तो ऐसे ही लिखोगे, फिर गलत है, आपका सम गलत आएगा. तो आपको इसको कैसे लिखना पड़ेगा, इसलिए बोला मैंने आपको राइट साइड से लिखना है 3, 2, 5, राइट. सो हमारा मेन क्वेश्चन ये है, एडअप करते हैं इनको, 4, 2, 6, 7, 9, 1, 10, 5, 5, 10, सो 20, 0 यहां आएगा, 2 जाएगा कैरी में, 2, 8, 10, 10, 7, 17, 1 कैरी, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. So this is your answer. So total number of tickets sold on all 4 days are 7,707. Moving towards our next question. A machine on an average manufactures 2,825 screws a day. Ek din mein ek machine itne screws aapke banati hai. How many screws did it produce in the month of January? Ab pehle dekhiye, ye ek din kaha hai. ये है मंथ, तो दिन और मंथ का वैसे कोई लिंक नहीं बनेगा. अगर आप सिंपल किसी नंबर से कुछ भी करना, मल्टीप्लाई एडिशन कैसे करोगे पता ही नहीं. अब आप देखिए, मंथ है, मंथ में डेज कितने होते हैं, जनवरी की बात कर रहे हैं, देर आर 31 days, राइट. सो अब हम क्या करेंगे, एक दिन की प्रोडक्शन आपकी इतनी है, तो पहले हम वर्ड फॉर्म में लिखेंगे इसको, इन वन डे कितने स्क्रूज है आपके पास, 2,825 स्क्रूज, राइट. सो इन 31 days कितने बनेंगे आपके, आप क्या करोगे, इन्हीं स्क्रूज को मल्टीप्लाई कर दोगे. अच्छा, एक और चीज याद रखना, जहां पे ये लिखा होगा ना आपका हाउ मैनी, इन केसेस में या तो मल्टीप्लाई होता है या तो डिवाइड होता है. जहां पे लिखा होगा आपका मच, हाउ मैनी मोर, ऐसे मोर या मच वर्ड अगर आपका आ गया, उन केसेस में आपको क्या करना है, सब्ट्रैक्ट और एडिशन, राइट. ये एक और मैंने आपको फंडा दे दिया उसके लिए. अब देखिए, सो अब आपको करना क्या है, इसमें 2,825 ये एक दिन का था, आपको निकालने हैं 31 days का, सो यू विल मल्टीप्लाई इट बाय 31, राइट. सो आपको इसको अब मल्टीप्लाई करना है, सो योर आंसर विल बी, इफ यू मल्टीप्लाई इट, 2825 मल्टीप्लाई करना है 31 से, डायरेक्ट भी कर सकते हैं 31 से, अलग सा वर्क करना पड़ेगा, बाकी जैसे आप सेपरेट करते हो वैसे भी कर सकते हो. 1 से मल्टीप्लीकेशन प्रिटी सिंपल, सेम आ जाएगा, बस आपको 3 से करना है, एक नंबर के नीचे क्रॉस, 3 से स्टार्ट करेंगे, 3 5s are 15, 1 कैरी, 3 2s are 6 7, 3 8s are 24, 2 कैरी, 3 2s are 6 and 2 8. अब आपको इनको एड अप करना है, सो हम यहां पे कर लेते हैं. ये है आपके पास 2825, here you have one cross and this is 5, 7, 4 and 8. अब क्या करना है, इसको sum up करना है, तो आपके पास कितना आ जाएगा, 5, 2 plus 5, 7, 8 plus 5, 7, that is 15, 1 carry, 4, 2, 6, 1, 7 and this is your number of screws, 87,575, right. So now moving towards our next question. To stitch a shirt,
2 meter 15 centimeter cloth is needed. Out of 40 meter cloth, how many shirts can be stitched and how much cloth will remain? अब देखिए यहाँ पे दोनों वर्ड्स आ गए हैं जिनकी अभी मैंने बात की थी लास्ट क्वेश्चन में. वो वर्ड्स क्या हैं आपके? मैनी एंड मच. मैनी वाले केस में आप क्या करोगे? या तो डिवाइड या तो मल्टीप्लाई. मच वाले केस में आप क्या करोगे? या तो एडिशन या तो सब्ट्रैक्शन. राइट, अब देखते हैं. अब देखिए क्वेश्चन क्या है पर्टिकुलरली. एक आपके पास 40 मीटर का कपड़ा पड़ा है, उसमें से आपको शर्ट्स बनानी है. ये बटन्स लगा दिए मैंने, ये शर्ट्स बनानी है. एक शर्ट की आपकी लेंथ है 2 मीटर 15 सेंटीमीटर. सो इस 40 मीटर क्लोथ में से कितनी शर्ट्स बनेंगी? मतलब इस क्लोथ को हम क्या करेंगे? डिवाइड करेंगे, इसमें से शर्ट्स कटेंगी. सो क्या हो रहा है? डिवाइड हो रहा है. तो मतलब आपको 40 मीटर को डिवाइड करना है इससे. अब ये एक तो है नहीं डिजिट, टू मतलब एक नंबर नहीं है, ये 2 मीटर और 15 सेंटीमीटर लिखा है. राइट, तो इसका रूल क्या होता है डिवीजन का? अगर आपके पास ऐसे मेजरमेंट्स गिवन है यूनिट्स में, तो आपको पहले कन्वर्ट करना होता है इनको किसी एक में. या तो मीटर में कर दो या तो सेंटीमीटर में कर दो. ओके, अब 15 हमेशा, ज्यादातर बड़ी चीजें छोटी बनती हैं. लाइक मीटर है तो वो सेंटीमीटर बनेगा. तो हम क्या करेंगे, इस 2 मीटर को कन्वर्ट करके सेंटीमीटर बना देंगे, फिर ये आपका 40 मीटर भी सेंटीमीटर बन जाएगा. ओके, सो देखिए जी, अब मेरे पास है पहले 40 मीटर, पहले इसको कन्वर्ट कर लेते हैं. 1 मीटर में आपके 100 सेंटीमीटर है. मैंने आपको 0 से मल्टीप्लाई करने का फंडा बताया था, तो ये क्या बन जाएगा आपका? 4000 सेंटीमीटर. राइट, अब बात करते हैं 2 मीटर 15 सेंटीमीटर की, इसमें कितने होंगे? अब 2 मीटर है तो अगेन ये क्या बन जाएगा? 200 सेंटीमीटर, और साथ में है प्लस 15 सेंटीमीटर, तो ये बन गया आपका 215 सेंटीमीटर. राइट, अब हम क्या करेंगे? डिवाइड करेंगे. राइट, तो किसको डिवाइड करना है? बड़ी टर्म को, दैट इज 4000, और डिवाइड करेंगे 215. अब डिवीजन के आपको रूल पता होने चाहिए क्या है. मैं क्या करता हूं, मैं सिर्फ फर्स्ट डिजिट कंपेयर करता हूं इनकी हमेशा, जब भी डिवाइड करना है. क्योंकि देखो पहले 3 डिजिट नंबर आप काउंट करोगे, दैट इज 400, और यहां क्या है 215. तो इन्हीं 3 डिजिट नंबर्स की हम बात करेंगे, तो उसमें इसकी पहली डिजिट देख सकते हैं आप, 4 है, ये 2 है. तो 2 का टेबल पढ़िए, मतलब 215 को आप 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये कितना आ जाएगा आपका, अगर आप चेक करोगे, 3 430. अब 430 तो 400 से बड़ा है, तो क्या होगा, ये इससे डिवाइड ना होके 1 से ही डिवाइड, मतलब मल्टीप्लाई होके आपकी टर्म आ जाएगी, दैट इज अगेन 215. इसको आप सब्ट्रैक्ट कीजिए, आपका बचेगा, कैरी करोगे 10, सो 5 9 8, और हेयर यू विल गेट 1, क्योंकि बस 4 से हमने कैरी किया था. अब हमारे पास ये 0 रिमेनिंग है, सो इसको हम यूज करेंगे. राइट, अब फिर देखते हैं, बात करते हैं फिर से. देखिए ये बन रहा है आपका एक 4 डिजिट नंबर, ये है आपका एक 3 डिजिट नंबर. फिर क्या करना है, फिर से मैं इस 2 को कंसीडर करके यहाँ की फर्स्ट 2 प्लेसेस कंपेयर करूंगा. सो 2 का टेबल अगर आप पढ़ते हो, फिर से 2 9 18, ये क्या है 18, तो इसके नियर अबाउट ही आएगा. तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, 215 को 9 से मल्टीप्लाई करेंगे. 9 5 45, 9 1 9 प्लस 4 आपका हो गया 13, 9 2 18 प्लस 1 19, देखिए बड़ा है. राइट, वो 1850 है, ये 1935 आ गया. तो अब क्या करेंगे, एक छोटे से लाइक 8 से करेंगे. अब हम 8 5 40, 4 कैरी, 8 1 8, 4 12, 1 8 2 16, 1 17, आ गया बराबर, मतलब छोटा. डिवीजन का फंडा यही है, जिस आप जो भी नंबर नीचे लिखने जा रहे हो, या तो उसके बिल्कुल इक्वल होना चाहिए या तो उससे छोटा, बड़ा नहीं चलेगा. क्योंकि करना आपको क्या है, सब्ट्रैक्ट. 0 सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं हम, 3 1. अब इसके आगे आप नहीं करेंगे. क्यों नहीं करेंगे? क्यों? क्योंकि जो आपका, जिससे आपको डिवाइड करना है, ये उससे छोटी टर्म आ गई है, बस यहां तक खत्म करेंगे, और ये है आपका रिमाइंडर. तो अब देखिए आंसर क्या फॉर्म होगा इसमें. ये पूछ रहे हैं हाउ मैनी शर्ट्स कैन बी स्टिच्ड. सो अगर हाउ मैनी की बात करें, तो जो ये आपका आंसर क्वेश्चन्ट में आया है, ये आपके नंबर ऑफ शर्ट्स है. हाउ मैनी शर्ट्स? 18 शर्ट्स. राइट, और हाउ मच क्लोथ विल रिमेन, ये रहा आपका 130. और मीटर में रहेगा या सेंटीमीटर में? क्योंकि हमने फाइनल कन्वर्जन सेंटीमीटर में की थी, तो सेंटीमीटर में. राइट,
So now moving towards our next question. Question है, the distance between a school, school की building बड़ी होती है, इसलिए हमने school बड़ा बना दिया, and a student's house is, student's house है, house छोटा बना लेते हैं, right? इनके बीच की distance कितनी है? 1 kilometer and 875 meter. So, आप पूछ रहे हैं कि एक स्टूडेंट है वो अपने घर से स्कूल जाती है यहां से इधर को गई और फिर वापस भी आएगी बोथ वेज राइट तो डबल डिस्टेंस वो ट्रेवल कर रही है एक दिन में सो हमारा तो फर्स्ट काम क्या होगा हमसे पूछा गया है फाइंड द टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाकी क्वेश्चन बाद में पढ़ते हैं तो पहले तो उसका एक दिन का डिस्टेंस कितना हुआ घर से स्कूल गई स्कूल से फिर वापस आई सो ये जो भी डिस्टेंस है ये मल्टीप्लाई बाय आपकी 2 हो जाएगी फर्स्ट थिंग अब ये एक दिन का है वन डे राइट अब आपको क्या पूछ रहे हैं 6 days का कितना होगा सो आओ करते हैं पर देखिए एक और चीज अगेन मल्टीप्लीकेशन और डिवीजन में यूनिट्स सेम होनी चाहिए ये किलोमीटर है वो मीटर है तो आप क्या करोगे मैंने क्या बोला था बड़े को छोटा बनाओगे तो इसको बनाएंगे 1 kilometer में आपके 1000 meter होते हैं सो ये कितना बन जाएगा आपका 1 kilometer और 875 meter है तो ये बनेगा आपका 1000 प्लस 875 बोथ आर इन मीटर्स हो गए कंबाइन तो अब इसको एड अप करेंगे तो ये बना आपका 1875 मीटर ये टोटल डिस्टेंस है उसके घर से लेके स्कूल तक की 1875 ओके तो अब हम क्या करेंगे जो हमें पूछा गया उसमें दैट इज कि पहले ट्वाइस एक दिन की डिस्टेंस ये हमें सो हमारे पास है 1875 मल्टीप्लाई बाय 2 ये एक दिन की डिस्टेंस हुई कितने दिन की चाहिए 6 days की अगेन मल्टीप्लाइड बाय 6 कंबाइन आ जाएगा एक ही बारी में सो मतलब आपको मल्टीप्लाई करना है पहले 2 से फिर 6 से सो लेट्स मेक सम स्पेस हियर सो हमारे पास था 1875 मीटर सो वन डे डिस्टेंस कितनी हुई वन डे डिस्टेंस इक्वल टू 1875 मल्टीप्लाई बाय 2 पहले ये निकाल लेते हैं 2 5s are 10 2 7s are 14 15 2 8s are 16 17 2 1s are 2 3 ये एक दिन की हुई अब कितने दिन की चाहिए 6 days की 6 days डिस्टेंस विल बी इक्वल टू अब आप इसको क्या करोगे मल्टीप्लाई बाय 6 कर दोगे राइट सो अगर इसकी मल्टीप्लीकेशन में करूँ 0 6 5s are 30 3 carry 6 7s are 42 3 45 4 6 3s are 18 और 4 22 सो टोटल डिस्टेंस कितनी कवर हुई है उसके 6 days में 22,500 meter राइट अब अगर आपको इसको फिर से इसी फॉर्म में लिखना है क्योंकि आपका आंसर ऐसा था ना 1 kilometer 875 meter ये भी बता देता हूं आपको कैसे लिखोगे आप 22,500 आपने देखा होगा यहां मीटर में कितनी डिजिट्स थी 3 तो ये 3 वाली जो मीटर के साथ रहेंगी जो रिमेनिंग है वो आपका किलोमीटर गया राइट सो स्टूडेंट्स इसी के साथ हमारी एक्सरसाइज कंप्लीट हुई सो सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो